दो दिन पूर्व जोधपुर में एक 3 साल की बालिका के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसके बाद में महिलाएं विरोध पर उतर चुकी है। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। पहले जोधपुर में कुछ दिन पहले 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ भी दुष्कर्म का मामला आया। जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने का प्रयास करते हैं। मैम, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार आए दिन बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगी कि उनको अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कठोर कदम अब बहुत जल्द उठाने होंगे। अब उनको हाथ में चूड़ यानी अस्त्र उठाने होंगे और वो डट के मुकाबला करें। और एक मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब महिलाओं को और बालिकाओं को कि जोर से चिल्लाना सीखे, क्योंकि महिलाएं हमेशा अपनी आवाज को दबा देती है और है ना, उस आवाज को अपनी बुलंदी से चिल्ला के एक बार अगले को डराना चाहिए। मैं आत्मरक्षा का शिविर हर महीने अभी चला रही हूँ चांदपोल गोर में, और वहाँ पे मैं सारा सेल्फ डिफेंस का कोर्स और सिखाती हूँ। वहाँ पर मैं यही सब कुछ सिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से निडर रहना चाहिए, निडर बोलना चाहिए और कैसे आपको मनचले युवकों का सामना करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस की तो बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से अबोध बालिका के साथ में हुआ है, इस तरह के कृत्य को आप किस तरह मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं कैसे रोकी जा सकती है? इस तरह की घटना ऐसे रोकी जाती है, पहले तो प्रशासन को ऐसे कदम उठाना चाहिए कि जैसे भी ये घटना हुई है उसी टाइम तुरंत उसको ऐसी सजा दे, फांसी पे ऐसा लटका दे कि लोगों को समझ में आ जाए कि हम ऐसा नहीं करें, उसकी रूह कांप जाए ऐसा करने से। और साथ में प्रशासन को एक नंबर ऐसा देना चाहिए महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, जो एक नंबर होगा तो तुरंत अगर उसके साथ कोई वारदात हो रही है तो वो कॉल करे। बच्ची नहीं कर सकती, लेकिन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि वो तुरंत प्रशासन को कॉल करे, गवर्नमेंट में मतलब थाने में कॉल करे, जिससे कि उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसकी सुरक्षा करें। और यही मेरा कहना है। और साथ में जिसने ये जो काम किया है इतना एक लड़की के साथ, उसको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दे, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि मुझे फांसी की सजा दे दो, चाहे मुझे गोली मार दो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज न्यूज़पेपर में ऐसा आया है, तो हम तो यही कहते हैं कि प्रशासन ऐसा सुन क्यों रहा है, हाथों हाथ सबको फांसी की सजा दें, यही हम कहना चाहते हैं। बेटियों बहनों की सुरक्षा की बात तो ठीक है, लेकिन पुरुष जागरूकता भी एक बड़ी मुद्दा है, इसको लेकर किस तरह के काम करने चाहिए? बिल्कुल साहब, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं डॉक्टर ज्योति प्रताप, यह सेवा भारती संस्थान से। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए सबसे पहले तो जो पाश्चात्यकरण हो रहा है उसके ऊपर जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारी पुरानी कल्चर है, जो हम लोगों का एक धरोहर थी, उसको वापिस से जिंदा करना चाहिए। जो भी वर्कशॉप हो उसमें देना चाहिए कि हम अपनी सनातन संस्कृति है जो हमारा हिंदुत्व है उसको जगाना चाहिए, ताकि इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं जिसका मेन कारण ये मोबाइल और ये बुरी तरह की जो ये ब्लू फिल्म्स वगैरह आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, इनको रोका जाए, प्लस जो व्यसन है उसको रोका जाए। आज छोटी बच्ची को उनकी गोदी से उनके पेरेंट्स से वो लेके गया है, तो पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए कि हर किसी के हाथ में अपने बच्चों को इस तरह से ना दे दिया जाए। और जब फांसी वाली बात आती है तो जनता को, जब अपराध जनता में हो रहा है तो जनता के हवाले कर देना चाहिए, उसका जस्टिस जनता के बीच में डाल देना चाहिए। अच्छा, आप हालांकि आपने कई तरह की चीजें बताई पाश्चात्य संस्कृति को लेकर, लेकिन आधुनिकीकरण तो आप समय की मांग है, इसमें अब आप किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को देखती है, क्योंकि जिस तरह पहनावा भी चेंज हुआ है? बिल्कुल, आधुनिकीकरण मन का आधुनिकीकरण होना चाहिए। जो हम लोगों को उनके अच्छी डिवाइसेस मिले जा रहे हैं, अच्छी हम लोगों को सारी चीजें मिल रही हैं, वो हम लोगों को उतारना चाहिए, ना कि हमारा पहनावा हमारा को खराब करना चाहिए। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारा हिंदुत्व का बोध है, आज दादी नानी है जो हमारी ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई है, उनको इकट्ठा करके उनकी कस्टडी में बच्चों को डालना चाहिए। और जहाँ संस्कार की जगह जगह कार्यशाला हो रही है, वहाँ पे हम लोगों का पहनावा और कार्यशालाओं को आगे रखते हुए जो पाश्चात्यकरण की अच्छी चीजें हैं उनको रखना चाहिए, और जो हमारे पुरानी धरोहर है उसको संजो कर रखना चाहिए। संस्कार उसके अंदर भी आ सकते हैं, अच्छी चीजें उसके अंदर भी उतारी जा सकती है, और एक अच्छे पहनावा के साथ में पाश्चात्यकरण को रोककर सनातन के साथ में भी उन चीजों को अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, जिस तरह से महिलाओं ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखी है, ये महत्वपूर्ण है। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं हम लोग। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना के बारे में? सोचने लायक तो कुछ बात रही नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि ये जो भी हुआ, जो अच्छा नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी बात आज जोधपुर की इतनी सारी लेडीज और इतने सारे संगठन यहाँ आए, तो ये आवाज आगे तक जानी चाहिए। यदि ये आवाज आगे तक नहीं गई तो इससे ज्यादा हंगामा होगा, और वो मैं नहीं बोल सकती कुछ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर आरोपी को तो पकड़ लिया, अब आपकी क्या मांग है इस पूरे मुद्दे? मेरी तो मांग यही है कि उसको रखा कहाँ है? जालोरी गेट पे रखो, भूखा रखो, ताप के रखो किसी के सामने, ताकि हजारों लड़के आते जाते उसको देखे कि उसका क्या हश्र है। जेल में किसी को नहीं पता है वो कहाँ है और किस कंडीशन में है। क्या कोई बता सकता है वो किस कंडीशन में? नहीं पता। मेरा यही है, और मैं साफ बोल रही हूँ,
सरकार तक एक ही बात बोल रही हूँ, अभी जो संख्या है इससे भी 5-10 गुना होगी यदि इस पर टाइम से स्टेप नहीं उठाया गया तो। ये तो सिर्फ एक मैसेज डालने से इतने लोग आए, सोचो यदि बहुत बड़ा प्रचार रहा, बहुत बड़ा तो धरना लोग और बहुत बुरा होगा। महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले 11 वर्ष की बच्ची के साथ में भी जिस तरह से दुष्कर्म हुआ, आप क्या कहेंगे, क्यों आपको लगता है इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं? ये लापरवाही है, यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। जो प्रशासन जहाँ थाना है, प्रशासन पास में है, फिर भी बच्ची के साथ में ये चीज हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि उसको सजा हो, फांसी हो और 7 दिन के अंदर अंदर उसको फांसी की सजा मिली जाए, हम ये चाहते हैं। किस तरह की मांग है आपकी? हमारी मांग है कि ऐसे दरिंदे को चौराहे पर फांसी मिलनी चाहिए। सरकार जिसको ले जाती है, बलात्कार को जेल में डालती है, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद पैरोल पे छोड़ते हैं, वो घूमते हैं, मजे करते हैं और फिर जाते हैं, उनके लिए जेल नहीं है, उनके लिए तो पिकनिक पॉइंट बना रखा है सरकार ने। तो हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, हर सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो राम का नाम लेके ऐसे दरिंदों को आप जेल में डाल के पैरोल पे मां छोड़े और जिसका अपराध साबित हो जाए उसे 6-7 दिन के अंदर अंदर उसे फांसी दे या उसे एनकाउंटर करे, तभी होगा। अगर 2-4 व्यक्तियों के साथ ये किया जाए तो निश्चित ही पूरा भारत सुरक्षित होगा। अगर बलात्कार को डाल के 6 महीने बाद उसको छोड़ दिया जाता है, पैसे लेके छोड़ दिया जाता है, या मंत्री का बेटा होता है सरेआम मारता है और उसको छोड़ दिया जाता है, पैरोल में छोड़ दिया जाता है, बड़े बड़े अधिकारी को बलात्कार सिद्ध होता है और उनको छोड़ दिया जाता है, तो ये ऐसा सिलसिला लगातार इस वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं आप जिस तरह से 3 साल के अबोध बालिका के साथ रेप के बाद में महिलाओं में आक्रोश है। इनकी सीधी सीधी मांग है, आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन अब उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।